नाथद्वारा पंचायत समिति खमनौर व तेलवाड़ा से राजस्थान एकलव्य मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा लगभग 150 मजदूरों के साथ श्रम विभाग राजसमंद पहुंचे, जहां मजदूरों के भौतिक सत्यापन राजसमंद बुलाकर नहीं कर पंचायत मुख्यालय पर किया है, जिसके चलते मजदूरों की दिहाड़ी व समय की बचत के साथ महिला मजदूरों को परेशानी से राहत मिल सके। साथ ही अवसर पर राजस्थान एकलव्य मजदूर यूनियन के खमनौर ब्लॉक अध्यक्ष सवाराम मेती, खमनौर ब्लॉक अध्यक्ष ख्याली लाल सहित संभागीय महामंत्री लालू राम चौहान उपस्थित थे। लाला जी साढ़े खेल जी इतना पाचे बजे उठने नाम और परिचय बताइए होते कि जो अभी आप जो श्रमिक जितने भी यहाँ पर राजसमंद में आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आए हैं, क्या इनकी पीड़ा थी, क्या तकलीफ थी इन लोग? सर्वप्रथम मेरा नाम लालू राम चौहान है और राजस्थान एकलव्य मजदूर यूनियन का संभागीय महामंत्री हूँ। और राजस्थान एकलव्य मजदूर यूनियन के खमनौर और दिलवाड़ा में दो ब्लॉक में हमारा संगठन बना हुआ है, तो यहाँ के मजदूरों की कुछ समस्या थी, उस समस्याओं को लेकर हम लोग श्रम विभाग में ज्ञापन देने के लिए आए थे। समस्या ये थी कि मजदूरों को वहाँ से यहाँ तक जो भौतिक सत्यापन को लेकर यहाँ पे आना पड़ रहा है और उनको लंबा एक किराया लग रहा है और उनकी दिहाड़ी मारी जा रही है, तो हमारी मांग थी कि भी ये लोग श्रम विभाग के कुछ अधिकारी अगर वहाँ आके राजसमंद में नहीं ब्लॉक स्तर पर आकर अपना मतलब भौतिक सत्यापन किया जाए, ताकि लोगों का किराया बच जाए, उनकी दिहाड़ी बच जाए और महिला, विशेष करके जो महिला है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से इन लोगों का श्रमिक कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग ये सारे रिजेक्ट नहीं हो, इनको हित लाभ मिले, लेकिन वहाँ थोड़ी नजदीकी स्तर पे इनका एक अधिकारी आगे सभी मजदूरों का सत्यापन कर ले, ये हमारे साथ समस्या थी। तो ये बताइए कि जो आपने यहाँ पर अभी जो किया था, आपकी क्या मांगे है और इनको लेकर आपने अधिकारी से क्या बात कही और अधिकारी की तरफ से आपको क्या संतुष्ट क्या मिला, मतलब क्या कहा उन्होंने? हम लोगों ने हमारी मांग रखी, एक तो भौतिक सत्यापन को लेकर ब्लॉक स्तर पे हो जाए तो बेहतर है, हमारी ये मांग थी। लेकिन अधिकारी का कहना ये था कि हम ये पूरे जिले को लेकर चलते हैं और जिले में ऐसी व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को भले किराया लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन उनको यहाँ आना है, पार्वतन है, तो जिला मुख्यालय में आना पड़ेगा श्रम विभाग, और यही पे आकर ही सत्यापन हो सकता है, बाकी वहाँ पर हम लोग इनको नहीं ला सकते। श्रमिक कार्ड जो पेंडिंग पड़े वो क्यों पेंडिंग पड़े थे और क्या कहा उन लोगों ने, क्या दिक्कत थी, कितने सालों से ऐसे लोग हैं जिनके नहीं बन पाए अब तक? श्रमिक कार्ड को लेकर अगर करें तो हमारी एक बड़ी समस्या है श्रमिक कार्ड को लेकर ही थी, जैसे 400 महीनों से श्रमिक कार्ड पेंडिंग पड़े थे और जो समय पे काम नहीं हो रहा था, और इसी चीज को लेकर इन्होंने जो तर्क वितर्क की जो बात हुई इसमें इन्होंने बताया कि भी ऐसा नहीं है कि हमारा हम लोग इनका काम नहीं कर रहे हैं या विशेष किसी व्यक्ति का काम कर रहे हैं। बोला अक्टूबर महीने का इन लोगों ने उदाहरण देते हुए ये बताया कि अक्टूबर महीने के बाद में अभी दो महीने से आचार संहिता लगी हुई, इस वजह से पेंडिंग है, हालांकि इससे अक्टूबर से पहले जो श्रमिक कार्ड है उनका सबका निस्तारण हम लोगों ने कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी कुछ आवेदन है जो पड़े हुए हैं, हम लोग निकाल के अभी लाए नहीं है। तो इन्होंने बताया भी ऐसा नहीं है और अभी जनवरी एक सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी पेंडिंग आवेदन है उनका निस्तारण हो जाएगा, और अगर लास्ट रह जाएगा तो जनवरी तक तो बिल्कुल इनका हो जाएगा, श्रमिक कार्ड बन जाएगा।